गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ बीबीएमएस। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन, जिसमें रिलेशनल डेटा क्या था हमारे पास, और साथ में हमने डिस्कस किए थे इंडिविजुअल फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास किसी के फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, देखिए बेसिकली फंक्शनल डिपेंडेंसी जो होता है एक तरीके से कंसेप्ट होता है जो डिटरमाइन करता है एक एट्रीब्यूट का रिलेशनशिप दूसरे एट्रीब्यूट से इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें किसी भी स्टूडेंट का फादर नेम है और फादर नेम, तो फादर नेम को अगर हम देंगे तो वो स्टूडेंट पर डिपेंड है, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट के अंदर स्टूडेंट का नाम रजिस्टर होता है। तो हम इंस्टीट्यूट स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम उसके फादर नेम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं फादर नेम ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो बेसिकली जब भी हमारे पास होता है फंक्शनल डिपेंडेंसी जो होती है उसको हम एरो से डिनोट करते हैं, और जो फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इसके द्वारा, यानी कि इसका मतलब है कि वाई इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एट्रीब्यूट एक्स। मेरे पास एक एक्स के एट्रीब्यूट है और मेरा वाई भी दिया है, आपने एट्रीब्यूट है, तो एक्स और वाई के दोनों एट्रीब्यूट्स हैं, उसमें हमारे पास एक डिपेंडेंसी होती है। हमारे जितने भी रिलेशन डेटाबेस बनता है, यानी कि जो भी हमारे पास टेबल बनेंगे उनमें हमेशा डिपेंडेंसी जरूरी होती है। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें यह दिया हुआ है एम्प्लॉय नाम का एक टेबल है, उसका एम्प्लॉय नेम है, उसको सैलरी है, उसको सिटी है, यानी एम्प्लॉय का नंबर है जो एक फैमिली की होगी अपने, एम्प्लॉय का नेम है जो भी हमारे यहाँ वर्क कर रहा है उसके साथ ही, और वो किसी के लिए क्या कर रहा है जॉब कर। ठीक, अब हमें तीन रिकॉर्ड्स बना देंगे। ठीक है, अगर मुझे वन टू थ्री मेरे पास क्या है एम्प्लॉय नंबर है, डेट ऑफ ट्रांसफर एंड मेरे पास एम्प्लॉय का नेम है, नेम के सैलरी है, सैन फ्रांसिस्को नंबर डॉक्यूमेंट का सिटी का नंबर जहाँ पर वो जॉब कर रहा है। अगर मैं इसमें अगर मेरे पास एम्प्लॉय नंबर मुझे पता है तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसका एम्प्लॉय नेम भी पता कर सकती हूँ, उसका सिटी भी पता कर सकती हूँ, उसकी सैलरी भी पता कर सकती हूँ। इसका मतलब मेरे पास सिटी, एम्प्लॉय नेम और सैलरी, ये तीनों के तीनों मेरे पास डिपेंड हो गए इससे एम्प्लॉय नंबर। ठीक है, क्यों, क्योंकि मान लीजिए एक ही कंपनी में एक नाम के दो एम्प्लॉय तो हो सकते हैं, बट उनका आईडी जो है वो क्या रहेगा, उसका यूनिक रहेगा। तो एक एम्प्लॉय आईडी के एम्प्लॉय नंबर से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एम्प्लॉय की सारी की सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। अब जब हम डिटेल्स इन्फॉर्मेशन रहेंगे जो अदर एटीट्यूड्स हैं वो हमारे पास फंक्शनली डिपेंडेंट हो गए इसके एम्प्लॉय नंबर। तो ये होता है हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी, मीन्स जिसके एटीट्यूड्स हैं बाकी इन्फॉर्मेशन से, जिस एटीट्यूड्स की हेल्प से बाकी इन्फॉर्मेशन को हम कनेक्ट कर सकते हैं या बाकी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या होता है फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी के इश्यूज होते हैं, सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव होता है, यानी कि अगर मेरे पास एक्स सेट ऑफ एटीट्यूड्स है, वाई एक्स जो है सबसेट है इसका एक्स का, तो एक्स होल्ड करेगा वैल्यू उसकी वाई। ठीक है, मैं क्या है एक्स मेरे पास क्या है एट्रीब्यूट्स का सेट है सारे जितने भी, और वाई जो होगा ऑब्वियस सी बात है सबसे होगा किसी का एक्स का। अगर एक्स का मेरा फंक्शन डिपेंडेंट है ऑन वाई, तो इट मीन्स क्या होगा, एक्स मैंने अगर पूरे सेट के एट्रीब्यूट्स बनाया हुआ है, वाई क्या होगा उसका क्या होगा सबसेट होगा। नेक्स्ट होता है ऑगमेंटेशन, अगर एक्स और वाई होल्ड हो रहा है हमारे पास और सी कोई भी एट्रीब्यूट सी है, तो हमारे पास ए सी जो है तो बी सी भी होल्ड होता ही होता है, यानी कि एक्स अगर वाई में है और हमारे पास सी कोई भी एट्रीब्यूट है और दोनों हमारे पास सी से सी वाई हो जाते हैं, तो दोनों भी होल्ड होते ही होता है। ठीक है, थर्ड ट्रांजिटिविटी रूल होता है, थर्ड ट्रांजिटिविटी रूल जैसे हमारे पास मैथमेटिक्स में पढ़ने से वहीं से लिखा है आता है, अगर एक्स वाई पर यानी कि वाई मेरे पास फंक्शनली डिपेंडेंट है इसका एक्स पर एंड वाई जेड होल्ड हो रहा है, यानी कि जेड मेरे पास फंक्शनली डिपेंडेंट है इसके वाई पर, तो हमारे पास एक्स जो है वो हमको क्या करेगा जेड पर, यानी कि जेड भी मेरा फंक्शनली डिपेंडेंट होगा इसके हमारे पास एक्स। ठीक है, यानी कि हमारे पास इसको हम बोलते हैं कि हमारे पास ये क्या है, हमारे पास एक कॉन्सर्वेटिव ट्रांजिटिव रूल। अब आते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसीज की टाइप कौन कौन सी होती है। देखिए जनरली अगर हम बात करें तो हमारे पास फोर टाइप्स की फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है बीबीएमएस के लिए, जिसमें आपके पास फर्स्ट वन आती है हमारे पास मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, सेकेंड होती है पीवी डिपेंडेंसी, और थर्ड होती है हमारे पास नो प्रोडक्ट डिपेंडेंसी, और लास्ट होती है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ठीक है, यानी कि जो डिपेंडेंसी को देखते हैं मीन्स अगर मेरे पास वाई फंक्शनल डिपेंडेंट है एक्स के, तो इसमें भी हमारे पास फोर कैटेगरी में हम डिपेंडेंसीज को कैटेगराइज करते हैं।
यानी कि दो कलर बने थे ग्रीन और व्हाइट। सेम ऐसे H005 को दोनों 2018 में मैन्युफैक्चर हुई, इसमें दो कलर का मैटेरियल था ब्लू। सेम ऐसे 10 का एक ही कलर था और मैटेरियल जो का बना मेरा 2015 में और H003 2012 में बना, जिसका कौन सा कलर था खाली ग्रे कलर था। ठीक, अब अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चर ईयर और कलर जो है वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। अगर मुझे मैन्युफैक्चरिंग ईयर पता है तो मैं कलर को डिटरमाइन नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मेरे पास 2017 मैन्युफैक्चरिंग ईयर में दो कलर बने हैं, और कौन सा, मैटेरियल और ग्रे। तो बेसिकली दोनों एक दूसरे पर क्या इंडिपेंडेंट है, लेकिन डिपेंड दोनों किस पर है, हमारे पास कार मॉडल पर। अगर मैं कार मॉडल को डालूँ, कार का नंबर डालूँ, मॉडल नंबर डालूँ, तो मुझे पता चल जाएगा ये कार का मॉडल किस ईयर में आया था, ये किस ईयर में ही मैन्युफैक्चर हुआ था। ठीक, सेम ऐसे ही अगर हम कलर को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो हम कार का मॉडल डालेंगे, पर्सन कलर को आइडेंटिफाई करेंगे, तो हमें ये बता देगा कि इस पर्टिकुलर मॉडल में दो कलर आए थे ब्लू और व्हाइट। ठीक, तो बेसिकली हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास दो कॉलम्स हुए हैं वो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंट है जिसमें कार का मॉडल, यानी कि दो ही डेटा जो है दो ही कॉलम हमारे डिपेंड करके जिसके कार मॉडल, तो इसको बोलते हैं मल्टी वैल्यू। और इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे दिस कार मॉडल पर ही, मेरा मैन्युफैक्चरिंग ईयर मैन्युफैक्चरिंग ईयर में हमारे डिपेंड करेंगे कार मॉडल पर, कलर भी मेरा डिपेंड करेंगे इसके कार मॉडल, क्योंकि कलर से मैन्युफैक्चरिंग ईयर है कार मॉडल नंबर आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, और नए मैन्युफैक्चरिंग ईयर से आपका कार का मॉडल नंबर या कलर डिपेंड कर सकते हैं, आपको उस पर डिपेंड करना पड़ेगा इसके कार के मॉडल। अगर हम कार का मॉडल नंबर डालते हैं तो वो हमें कंप्लीटली बता देगा कि इस पर्टिकुलर कार को कब आया था, उसके कौन कौन से कलर थे। नेक्स्ट होता है हमारे पास सीवियर फंक्शनल डिपेंडेंसी, यानी कि सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होता है। अगर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो हमारे पास है जैसे एक्स टू वाई हो, प्राइमरी फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी अगर वाई अपने आप में क्या होगा, सबसेट होगा एक्स, यानी कि जो वाई है मेरे पास वो भी अपने आप में क्या होगा, सबसेट हो जाए एक्स का, तब हम कहते हैं कि वो प्राइमरी फंक्शनल डिपेंडेंसी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एम्प्लॉय आई डी और एम्प्लॉय के नेम है, यहाँ पे दो नाम है मेरे पास एम्प्लॉय आई डी और एम्प्लॉय नेम। अगर मैं इसमें टू कॉलम्स हैं एम्प्लॉय आई डी और एम्प्लॉय नेम जो है हमारे पास फंक्शन डिपेंडेंट होगा एम्प्लॉय आई डी पर। ठीक है, एम्प्लॉय आई डी से हम क्या निकाल सकते हैं, एम्प्लॉय का नेम निकाल सकते हैं, बट अगर मैंने बनाया है क्योंकि मेरे पास दो ही कॉलम है, मेरे पास मैंने एक एम्प्लॉय आई डी लिया और एक एम्प्लॉय नेम हुआ, तो यहाँ पर एम्प्लॉय आई डी पर ये दोनों हमारे पास फंक्शन में डिपेंडेंट होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास एम्प्लॉय आई डी डिफर हो सकते हैं, लेकिन नेम क्या हो सकता है, सेम हो सकता है आपका। ठीक, तो बेसिकली क्या फंक्शन ट्रेवल फंक्शन डिपेंडेंसी, एम्प्लॉय आई डी जो मेरे पास सबसे बढ़िया है जिसका एम्प्लॉय आई डी और एम्प्लॉय नेम। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन ट्रेवल फंक्शन डिपेंडेंसी। देखिए जनरल हमारे पास होता है जब तक ए बी, यानी कि बी फंक्शन डिपेंडेंट है वोल्ट ए पर, ये क्यों है हमारे पास, बट बी सबसेट नहीं थे ए का, वहां पर क्या था सबसेट होना चाहिए, यहाँ पर सबसेट नहीं है, तो अगर एट्रीब्यूट बी जो है वो एट्रीब्यूट ए का सबसेट नहीं है तो इसको हम बोलते हैं नॉन ट्रेवल फंक्शन डिपेंडेंसी। जैसे अगर मेरे पास एक कंपनी है और उसके सी यूज है और साथ में उसके पास एक हमारे पास और है उसका एज है, ठीक है, मैंने तीन फील्ड लिए थे, कंपनी है, सीईओ है और उसका एज है। ठीक, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का, गूगल का, एप्पल का, कोई कर सकता है। अब हम अगर देखें तो कंपनी से सीईओ जो है फंक्शनल डिपेंडेंट है कंपनी के, क्योंकि सीईओ एक ही होता है कंपनी में, तो अगर मैं किसी भी कंपनी का नाम डालूंगी और उसका सीईओ को आप जानेंगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा उसका। ठीक है, बट सीईओ जो है वो नॉट अ सब्सेट ऑफ कंपनी होगा, मैं सीईओ का नाम डालूंगी तो वो हमारे पास पॉसिबल नहीं है कि वो कंपनी को डिटरमाइन कर। ठीक है, तो यहाँ पर ये सीईओ जो है वो सब्सेट नहीं होगा जिसका कंपनी का नीचे कौन सी होगी हमारे पास नॉट। नेक्स्ट हमारे पास आते ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ठीक है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है जब ये इनडायरेक्टली होती है तो फंक्शनल डिपेंडेंसी से फॉर्म होती है। ठीक है, जैसे मेरे पास कंपनी है सीईओ और एज होती है, अब कंपनी से सीईओ जो है वो डिपेंडेंट है इसके कंपनी के, और जो मेरे पास एज है सीईओ से वो डिपेंड होगी इसके सीईओ पर। ठीक, तो अगर मेरे पास पूरा ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पर कंपनी पर डायरेक्टली डिपेंड हो गया क्या एज पर, यानी कि अगर मैं कंपनी का नाम डालूँ तो
क्यों? क्योंकि कम सी तो किस पे डिपेंडेंट है फंक्शनली, हमारे पास कंपनी के एज किस पे फंक्शन डिपेंडेंट है, सी हो, तो इट मीन्स कंपनी के फॉर डायरेक्टली एज हमारे पास इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड हो गया, कंपनी का, तो इट मीन्स ये फंक्शन भी हमारी ट्रांसफर। नेक्स्ट हमारे पास आता है एडवांटेज ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी। देखिए फंक्शन डिपेंडेंसी जो होती है रिडंडेंसी को अवॉइड कर देती है, तो सेम डेटा जो होता है मल्टीपल लोकेशन पर आपका रिपीट नहीं होता। नेक्स्ट जो भी आपके पास डिफाइंड मीनिंग से कंसेंटेशन से डेटा बेस के अंदर उसको हेल्प करते हैं, कट हमारे पास देता है आइडेंटिफाई करते हैं हमारे पास इसको बैक डिजाइन जितने भी होते हैं उनको, और जनरली जितने भी टाइप्स होते हैं हमारे पास डेटा बेस डिजाइन के अंदर उनको डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास फंक्शन डिपेंडेंसीज होते हैं। फंक्शन डिपेंडेंसीज का मतलब है कौन सा एट्रीब्यूट किस पर डिपेंड होता है, इसका फंक्शन डिपेंडेंसी। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉर्मलाइजेशन। देखिए जनरली हमारे पास जो डेटा बेस का डिजाइन होता है वो परफेक्ट नहीं होता, और एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के लिए एक सक्सेसफुल डेटा बेस के लिए नॉर्मलाइजेशन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अगर हम बात करें डेटा बेस की तो उसके अंदर बहुत सारी एनामोलीज होती है। एनामोलीज का मतलब होता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो कि बेसिकली हमेशा जो होती है एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं किसी भी डेटा बेस के। ठीक है, जनरली थ्री टाइप की एनामोलीज होती है। फर्स्ट वन होती है अपडेट, सेकंड होती है डिलीट, और थर्ड होती है हमारे पास इंसर्ट एनामोलीज। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि नॉर्मलाइजेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम क्यों यूज करते हैं, हमें क्यों डेटा को नॉर्मलाइज करने की जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली अगर हमारे पास एक डेटा बेस की डिजाइन डिपॉक्ट करें तो वो हमारे पास परफेक्ट तो होता नहीं, उसके अंदर हमारे पास जब भी टाइप की एनामोलीज ऐसा हो सकती है। फर्स्ट होती है अपडेट एनामोलीज। अपडेट का मतलब है एक डेटा आइटम्स आर स्कैटर्ड एंड आर नॉट लिंक्ड टू ईच अदर। अगर मेरे पास कोई भी डेटा आइटम स्कैटर्ड है और वो प्रॉपर्टी मेरे पास लिंक नहीं है आपस में, तो क्या होगा? मान लीजिए मेरे पास स्टूडेंट का डेटा बेस है, मैंने 10 जगह टेबल बना रखे, यानी कि स्टूडेंट की जो डिटेल्स है हमें 10 टेबल में रिक्वायरमेंट थी तो हमें वहाँ डाली है। अगर मुझे उसको कॉन्टेक्ट नंबर को अपडेट करना है और मैंने 4 जगह अपडेट कर लिया बाकी सब जगह नहीं किया, तो वो अपडेट एनामोलीज होगी। क्यों? क्योंकि वही क्लैश अराइज होगी अगर हम दोनों टेबल्स को कंपेयर करें। तो वहां पर एक ही स्टूडेंट का दो कॉन्टेक्ट नंबर शो करेगा, एक टेबल पे दूसरा नंबर शो करेगा और दूसरे टेबल पे वो दूसरा नंबर शो करेगा। तो इसको हम बोलते हैं कौन से एनामोलीज, अपडेट एनामोलीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल रखिए टाइप अपडेट पर डेटा आइटम आगे प्रॉपर्टी स्टेटस सेम होगी। ठीक है, तो कहीं पर अगर लुक जाता है हमारे पास रह जाता है हमसे बैठे से, तो बेसिकली वो होगा क्या कि आपका पूरा का पूरा डेटा जो होगा वो क्या होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिलीशन एनामोलीज। जनरली है कि हम एक रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं लेकिन उसके कुछ पार्ट जो हो जाते हैं वो लेफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, यानी अनडिलीटेड रह जाता है। अब हमें नहीं आइडिया होगा क्योंकि डेटा हमारा कहीं और भी सेव है, कहीं और भी वो एक्सेस हो रहा है, तो बेसिकली इसको बोलते हैं डिलीशन एनामोलीज। अब वो रिकॉर्ड अगर मेरा डिलीट नहीं हुआ है और कहीं पर वो एक्सेस करना और एक तरीके से मैंने उसको डिलीट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, क्लास टीचर के बंद उसका अलग रिकॉर्ड है, ठीक है, मैनेजमेंट के बंद उसका अलग रिकॉर्ड है, अकाउंट सेक्शन में अलग है, रजिस्टर में अलग है। ठीक है, स्टूडेंट ने कोर्स छोड़ी है कुछ भी, उसका रिकॉर्ड हमें एक पर्टिकुलर क्लास से डिलीट करना है। ठीक है, अकाउंट सेक्शन से डिलीट हो गया या मान लीजिए अकाउंट्स में रह गया या आपका रजिस्टर्स में रह गया, तो बेसिकली क्या होगा जब भी कभी वो डेटा आएगा तो एक तरीके से हर जगह से वो डिलीट नहीं किया गया। अब जब हर जगह से वो डिलीट नहीं किया गया तो इट मीन्स क्या होगा, वो एक तरीके से क्या एक अनअवेयरनेस की वजह से वो डेटा एक जगह रहेगा और उससे क्या होगा प्रॉब्लम अराइज होगी, क्योंकि वो डेटा आपके एक जगह शो करेगा और एक जगह आपका शो नहीं करेगा। तो ऐसा होता है हमारे पास डिलीशन एनामोलीज। नेक्स्ट हमारे पास होता है इंसर्ट एनामोलीज। जनरली हम कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कर लिया था एक हमारे पास एम्प्लॉय की डिटेल है और एक डिपार्टमेंट की डिटेल है, मैंने कोई एम्प्लॉय तो हम तभी हायर करेंगे जब हमारे पास कोई डिपार्टमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या अपने एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय टेबल के अंदर एक रिकॉर्ड एंटर किया और उसमें एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर वो डाल दिया जो कि डिपार्टमेंट टेबल में है ही नहीं, तो वो क्या हुआ मेरा एक तरीके से इंसर्शन। क्योंकि जब तक मैं एक पर्टिकुलर डेटा को उस पर्टिकुलर टेबल में इंसर्ट नहीं करूंगी वो कहीं और इंसर्ट नहीं हो पाएगा, तो ये होता है हमारे पास डिलीशन एनामोलीज। ठीक है, यानी कि हम उस रिकॉर्ड पर एग्जिस्ट एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, मीन्स जब मेरे पास कोई डिपार्टमेंट बना ही नहीं तो मैं उसके लिए एम्प्लॉय को कैसे हायर कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो होती है हमारे पास इंसर्शन। अब नॉर्मलाइजेशन जो बेसिकली है वो क्या होता है,
अब नॉर्मलाइजेशन भी फॉर्म होती है, तो नॉर्मलाइजेशन हमारे पास एक मेथड हो गया जो कि हमारे जितने भी एनाबॉलिक्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हो आती हैं उनको रिड्यूस करने का, ठीक है। इसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं नॉर्मलाइजेशन, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। यहाँ तक आप वेट कर लीजिएगा और कोई प्रॉब्लम है तो उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।